नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने रेबीवैक्स एस इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा। इसके क्या क्या यूजेज हैं और किस प्रकार यूज किया जाता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रेबीवैक्स एस इंजेक्शन दोस्तों कुत्ते या बिल्ली या लोमड़ी किसी के बाइट काटने पर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। दोस्तों इसमें रेबीज वैक्सीन कंपोजिशन होता है। दोस्तों ये दोस्तों सिंगल डोज में आता है। दोस्तों एक ही बार इस इंजेक्शन को एक ही बार में लगाया जाता है। दोस्तों ये सीरम कंपनी का है, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगर आपको किसी कुत्ते बिल्ली या अन्य जानवर ने काटा है तो इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। दोस्तों कुत्ते के काटने के बाद इस इंजेक्शन को 5 डोज रहते हैं दोस्तों, जो 28 डेज के अंदर अंदर 5 डोज रहते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी कुत्ते या बिल्ली ने काटा है, आपको अगर ब्लड निकला है तो ही इस इंजेक्शन का यूज होता है दोस्तों, नहीं तो आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगने वाला है। दोस्तों ब्लड निकलने पर ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। दोस्तों ये रेबीज नामक बीमारी हो सकती है अगर कुत्ते के काटने पर। दोस्तों अगर कुत्ते ने आपको अगर काटा है तो इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। दोस्तों रेबीज नामक बीमारी आपको अगर कुत्ते ने काटा है तो कभी भी हो सकती है। दोस्तों आपको उसका असर 1-3 दिन या 4 दिन या 1 महीना 1 साल कभी भी इसका असर दिख सकता है रेबीज का। दोस्तों आपको इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है। दोस्तों कुत्ते के काटने के बाद 5 डोज का इंजेक्शन रहता है। जो पहला डोज जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा है वो पहला डोज रहता है, फिर अगले 3 दिन के बाद दूसरा, फिर अगले 7 डेज के बाद तीसरा, और फिर 14वें दिन के बाद चौथा, और 28वें दिन के 5वां डोज रहता है। दोस्तों अगर आपको पहले सबसे पहले आपको अगर किसी कुत्ते या बिल्ली ने काटा है तो आपको सबसे पहले बहते हुए पानी में वो घाव धो देना है अच्छे से। दोस्तों 5 से 10 मिनट उसको पानी में धोते रहिए दोस्तों, नहीं तो आप डेटॉल या अन्य किसी लिक्विड से अपने पैर को अच्छे से धो लें या किसी भी जगह काटा है उसको धो दें। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर से मिलिए और इस इंजेक्शन का यूज़ ज़रूर करिए। दोस्तों रेबीज नामक बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है दोस्तों, जो आपको कभी भी हो सकती है कुत्ते या बिल्ली के काटने से। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।